हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जुलाई का 14 सप्ताह, सावन का महीना ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। शिव शिव शिव, हर जगह शिव ही हैं। इस समय शिव ही सृष्टि के पालन और विनाशक दोनों में हेल्प करते हैं। इंसान की मृत्यु के बाद जो परमात्मा है, उसका जो कंपोनेंट है, वो शिव में ही विलीन होता है। सारे कर्मों के हिसाब से, जो जन्म में हमने कर्म किए हैं उनके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट पद डिसाइड होता है, वो भी काउंटर शिव के पास से ही गवर्न होता है। आशा करता हूँ आप सभी का पिछला सप्ताह अच्छा रहा होगा। आपने मेरे बताए हुए कुछ रेमेडीज़ को फॉलो भी किया होगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बट किसी ने जो भी प्रॉब्लम आई होंगी उनसे ईजीली निजाकत प्राप्त कर ली होगी, जो रेमेडीज़ मैंने बताई। आगे आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, बात करते हैं। सब पहले हम बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी है मंगल, शुभ रतन है मूंगा, शुभ दाश है तीन मुख्य रोदाश, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। यह सप्ताह आर्थिक रूप से इस राशि के जातकों के लिए बेहतर परिणाम लेके आएगा। प्रोफेशनल क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आप कोई प्रॉपर्टी यदि आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस सप्ताह आप खरीद सकते हैं। यदि कोई जातक विवाहित है तो इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस का भरपूर आनंद प्राप्त होगा। विवाहितों के लिए इस सप्ताह नए रिश्ते आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। घर में खुशियाँ और शांति बरकरार रहेगी। सप्ताह छात्रों के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा। बीमार लोगों का स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा। आपको अपनी माता जी की सेहत का ख्याल रखना है। घर में किसी मंगल कार्य होने के भी शुभ संकेत इस सप्ताह मौजूद हैं। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आप हर रोज़ जब भी ऑफिस जाएँ उससे पहले आप पास के मंदिर में जाएँ और मिठाई का दान करें। हनुमान जी को मंगल और शनिवार के दिन चोले का चढ़ाएँ। आप लाल कलर पर फोकस करें। लाल कलर का रुमाल आपके साथ यदि इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हैं तो आप रखें अपने साथ। आप गायत्री मंत्र का पाठ करें रोज़ाना। भाइयों को आपको सदा सम्मान देना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। और वट वृक्ष की जड़ में आप यदि मीठा दूध चढ़ाते हैं और चिड़ियों को दाना डालें। रात को सिर के पास आप पानी रखकर सोएं स्फटिक के बॉल में, और सुबह उस पानी को जड़ में किसी पेड़ की जड़ में डालें, तो उससे आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। चाहे किसी भी राशि की कोई भी राशि हो, कोई भी महादशा, अंतरदशा, पितंतरदशा हो, कि कोई भी तरीके का दोष हो, योग हो, उन दोषों से बचने के लिए यदि आप मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, अपने हृदय भाव से लोगों को क्षमा करते हैं, किसी के प्रति आप कठोर विचार नहीं रखते हैं, तो आने वाला सप्ताह ही नहीं, आपके लाइफ में जितने भी सप्ताह आगे आएंगे उन सभी को अच्छा एक अच्छा समय बनाने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। मैं महागुरु गौरव, आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए एक शुभकारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।